केस में जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। मथुरा कोर्ट में चल रहे 13 केस को एक करके हाईकोर्ट ट्रांसफर करने पर होगी बहस। श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में मथुरा कोर्ट में दाखिल 13 वादों को एक करने और सभी केस हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से वकील रंजना अग्निहोत्री हरिशंकर जैन ने वाद दाखिल किया। इस वाद पर मंगलवार को हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के वकील रंजना अग्निहोत्री ने भगवान श्री कृष्ण की सखी के तौर पर सितंबर 2020 में वाद दाखिल किया था। इस केस को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अक्टूबर में यह केस रिवीजन के लिए जिला जज की कोर्ट में दाखिल किया गया। इस पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एडवोकेट हरिशंकर जैन ने बताया कि संभावना है कि सुनवाई कोर्ट संख्या 1 में होगी। 4 वादी और 4 प्रतिवादी बनाए। श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल वाद में रंजना अग्निहोत्री के अलावा हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, करुणेश शुक्ला सहित 6 लोग हैं। वहीं वाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया गया है। श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से दाखिल वाद में 1968 में हुए समझौते को चुनौती दी गई है। 1946 में जुगल किशोर बिरला ने जमीन को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर दे दिया, जबकि देखभाल के लिए बाद में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाया गया। इसके बाद 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने शाही ईदगाह कमेटी से समझौता कर लिया। इसी समझौते को अवैध करार देते हुए चुनौती दी गई है।